एवरीवन, सब लोग कैसे हो? और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:25, और आज मैं जाने वाली हूँ अगेन मजनू का टीला। तो मैंने सोचा जब मैं जा रही हूँ लेट्स व्लॉग इट, बिकॉज आज मैं अगेन कुछ काम है मुझे, अपने ऑफिस का भी कुछ काम है, और उसके साथ साथ मुझे पूल कैफे जाना है बिकॉज वो खाना इतना अच्छा था ना। अगर आपने मेरी पूल कैफे की वीडियो नहीं देखी सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, बहुत सही वीडियो थी और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच। और आज ना सबसे पहले मेरा ओटीटी, सो ओटीटी एक काम करती हूँ, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैंने नई जीन्स लिए है, बैग लिए, उनकी सबकी बातें बाद में करेंगे। बट फाइनली आई एम ऑल सेट, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा बिकॉज आई नॉट लाइक, आज मुझे बहुत लेजी लेजी सा फील हो रहा है बिकॉज मैं 2 दिन से वर्कआउट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा पेन है बॉडी में। बट या आई एम ऑल सेट टू गो, और अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर, सो लेट्स गो। पूछ लें उसके पास होगा शायद, जब यूज कर रहे हैं इतना बड़ा कैफे यूज़ कर रहे हैं तो कर ही सकते हैं। सो मीट माई फ्रेंड आरजू, मैं और ये आ गए हैं मजनू कटेला पूल कैफ़े एक्सप्लोर करने, एंड हम अभी अपने फेस की बातें कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया था ब्रीज़र, थोड़ा गर्मी था, एंड उसके साथ द बेसिल ग्रिल चिकन पिज़्ज़ा, बहुत सही टेस्ट है इसमें ना, बेजिल का तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, अगर आपको बेजिल पसंद है ना यू हैव टू ट्राई दिस पिज़्ज़ा आउट। और खाना ऑलमोस्ट अच्छा था, और यहाँ पे मैं एक रील शॉट कर रही हूँ अपने पिज़्ज़ा को खाते खाते। हमने बहुत सारा खाना मंगाया था, उसमें से हमने एक हेल्दी ऑप्शन मंगाया था, ये है वीट वाले कोथे स्टीम मोमोज। और वहाँ पे देखो इस बार स्विमिंग पूल में भरपूर पानी था। उसके बाद मैं वापस आ गई और आके मैं अपने जिम गई बिकॉज एक्सरसाइज इज़ वेरी मेरे को इंपॉर्टेंट। इतना टायर्डनेस है, हम लोग जिम जाते हैं ना, सो मैं वहाँ पे गई, मैंने बहुत सारा खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद में एक्सरसाइज करने गई, जिम गई, आज मैंने बैक फ्रंट मारी, सो मेरा पूरा ये हाथ, इट्स सो पेनिंग। एवरी वन गुड मॉर्निंग, सो आज नेक्स्ट डे है, आज मंगलवार ही है, ठीक है। सो मैंने कल ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया था बिकॉज आफ्टर जिम से आने के बाद ना मेरा पूरा बॉडी इतना पेन हो रहा था, स्टिल इट्स पेनिंग क्योंकि अभी मैंने बस 2-3 दिन ही स्टार्ट करा है, सो दैट्स वाई अभी थोड़ा पेन हो रहा है। बट मैंने ना उससे पहले वाले दिन जब मैं कमला नगर गई थी मार्केट, सो मैंने वहाँ से 2 जीन्स और एक अपना बैग लिया है, वो इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा कि लेट शेयर विथ यू गाइस कि मैंने वो क्या लिया है, और बहुत बहुत सही है। सो वेट अ मिनट, लेट मी शो माई न्यू जीन्स एंड माई पर्स बैग, बिग टोट बैग, क्योंकि मुझे टोट बैग काफ़ी टाइम से चाहिए था, मतलब मैं 1 साल से ढूंढ रही थी कोई अच्छा, बट वही लॉकडाउन हो गया, मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया, बट अब मुझे मिल गया, सो लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू लाइक दिस, यहाँ पर रख देते हैं। ओके सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम माई टोट बैग, इट्स माई टोट बैग, दिस इज काफ़ी बड़ा है, लाइक इट्स ह्यूज, लुक एट दिस, दिस इज़ अ ह्यूज टोट बैग। बट यहाँ से आप इसको ऐसे जिप लॉक करके ना आप इसको छोटा भी बना सकते हो, बट इसको बार बार ओपन और क्लोज नहीं करेंगे नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। बट दिस इज सम हाउ यू कैन यूज़ इट, दिस इज क्वाइट बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा, इट कैन कवर माई वन शोल्डर टू अनदर, ये इतना बड़ा है। बाकी आई नीडेड ऐसा एक टोट जिसमें कि सब आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पानी की बोतल, स्कार्फ, मेरे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ स्किन केयर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिर्फ बैग निकल बैग लेके निकल जाते हो, तो मुझे बिग साइज़ का टोट बहुत पसंद है, मुझे बैग लोए काफ़ी टाइम हो गया था, सो आई एम अ क्या बोलते हैं बैग लवर, यू कैन से इट, मुझे बैग्स बहुत पसंद है, आई हैव बहुत सारा बैग्स, कुछ एथेनिक्स में से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी ये ऐसे एक बैग है, मैं ऑफिस में या फिर कभी कहीं जा रही हूँ, आई कैन ट्रैवल, सो आई कैन कैरी दिस बैग एंड माई होल सामान। और इसके साथ मुझे एक इतना बड़ा पाउच कम स्लिंग मिला है, इसके अंदर भी क्या बोलते हैं स्लिंग का बेल्ट है, एंड दिस इज सो सो नाइस, माई मॉम से कि इसको मैं वृंदावन जब जाती हूँ ना तो उनके पास ऐसे कोई बैग नहीं ताकि स्लिंग ले जाए, तो उन्होंने बोला, एंड दिस क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है। और इसके प्राइसेस आप गेस करना, मैं नहीं बता रही, जस्ट गेस इट द प्राइसेस, ठीक है। बाकी बहुत बहुत सही मिला है, और अगर आपको ऐसे टोट बैग्स भी लेने हैं ना, सो अभी ट्रेल में बहुत ज़्यादा ऑफ चल रहा है,
सो मैं ट्रेल से एक बात बता देती हूँ. व्हाट इज ट्रेल? ट्रेल इज़ अ ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मैं उसका कहीं लगा दूंगी. सो ट्रेल में यू कांट बिलीव 70% ऑफ चल रहा है. मैंने बहुत सारे स्किन केयर भी मंगाए हैं और कुछ आउटफिट्स मंगाए हैं, अभी वो आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. सो ट्रेल में 70% होली स्पेशल सेल चल रही है. सो क्या सोच लो, शॉपिंग कर लो. और इवन यू कैन यूज़ माई कोड दिस स्वीटी YT20. इसको अगर यूज़ करोगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ, मतलब समझ लो बहुत सारा ऑफ आपको मिल जाएगा इस होली स्पेशल. तो आप शॉपिंग कर सकते हो अपने अपने लिए, अपनों के लिए. सो स्टार्ट शॉपिंग और स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ट्रेल. और ट्रेल बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप मुझे ट्रेल ऐप पे फॉलो भी कर सकते हो. मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ और बहुत सारे टिप्स हैक आपके साथ शेयर करती रहती हूँ. बाकी डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है. और ये कोड ज़रूर यूज़ करना क्योंकि आपको एडिशनल 20% ऑफ भी मिल जाएगा. अच्छा, तो मैं कहाँ थी? मैं थी अपने जीन्स पे अब, ठीक है, क्योंकि मैंने दो जीन्स भी बाय करे. मैंने काफ़ी टाइम के बाद, बिकॉज आई एम अ स्लो फैशन पर्सन, मैं ऐसे फास्ट फैशन में बिलीव नहीं करती हूँ अब, बट पहले तो आई एम अ फास्ट फैशन की, मुझे आज लिया बस पहन लिया बस हो गया. बट अब मैं थोड़ा इन्वेस्ट करने में ही ज़्यादा सोचती हूँ कि हर दिन को मैं अपने कपड़ों से स्टाइल अप कर सकती हूँ, बट आई डोंट नीड न्यू क्लोथ्स फॉर एवरी डे, ठीक है, बिकॉज आई एम स्टाइलिस्ट, तो मुझे स्टाइल करना आता है. सो आई नो हाउ टू स्टाइल एंड आई एम ऑल्सो लाइक कि इंस्टा पे भी एक्टिव हूँ ताकि आपको स्टाइल इनके टिप मिले और कुछ खाना वाना. तो अगर आप मुझे इंस्टा पे भी नहीं फॉलो कर सकते हो तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो. सो आपको चेक कर लेना. सो ओके, सो आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग है अगेन जो 10 years पहले का फैशन था, लाइक बेल बॉटम. मैंने ये एक बेल बॉटम डेनिम ली है, दिस इज सो नाइस. इसकी फिटिंग बहुत सही आई है, द क्वालिटी यू कांट बिलीव. मतलब कमला नगर से मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ बिकॉज मुझे वहाँ का ज़्यादा कुछ आता नहीं है, समझ क्योंकि मेरा कॉलेज उस साइड नहीं था, मतलब तो आई डोंट नो. बट माई सिस्टर ऑलवेज लाइक कि बहुत अच्छा सामान मिलता है, बहुत अच्छा. तो मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है, शी टोल्ड मी कि चलो मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ अच्छी जगह से. एंड दिस लुक सो नाइस. मैंने कल इस पर ना पिक्चर्स भी क्लिक करवाई है कुछ, तो आप वो देख लेना, इंस्टा पे ही है, ठीक है. एंड दिस इज़ सो नाइस, फिट बहुत प्यारी है, बहुत बहुत सुंदर. उसके साथ मैंने और एक जींस ली है, ये लाइट शेड की है, ठीक है, बहुत लाइट शेड है और यहाँ से नीच से कटा हुआ है, काइंड ऑफ नॉट मॉम जीन्स, लाइक फ्लेयर जीन्स है स्ट्रेट में, ठीक है. बट इसका फिट बहुत सुंदर है, मुझे ये थोड़ी ऐसी जीन्स ना आजकल कंफर्टेबल लगती है, ठीक है. और दे लुक वेरी कूल विथ एवरीथिंग, लाइक शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, टॉप के साथ ही बहुत अच्छा लगता है, शॉर्ट के साथ अच्छा लगता है. एंड ऐसे लूज टी शर्ट के साथ बहुत, लाइक बैगी टी शर्ट के साथ बहुत अच्छा लगता है ना, बिग टोट एंड यूर गुड टू गो. आई लव दैट लुक, मैं आपको स्टाइल करके ज़रूर दिखाऊंगी इंस्टा पे भी, ठीक है. सो इसका ना जब मैं लाई तो मेरी फैमिली वाले बोलते पैसे दे के कटे फूटे चीज़ लेने की क्या ज़रूरत है, बट आई एम लाइक कि आप नहीं समझोगे, दिस इज़ फैशन, कम ऑन. बट मुझे अच्छा लगता है ऐसे, मुझे ना और थोड़ा सा रख चाहिए था, वो मैं कभी और लूँगी. मुझे ये दो अच्छे मिले, सो मैंने ये दो बाय किए एंड दे लुक सो सो गुड. इसको मैंने तो स्टाइल नहीं करा है, विल सून. बाकी या दिस इज़ ऑल लाइक, मुझे लगा कि जब मैं ये सब लाई हूँ तो लेट्स मेक अ छोटा सा हॉल काइंड ऑफ आपके लिए, एक छोटा हॉल हो जाएगा. और एक चीज़ मैं लेके आई, और दो चीज़ लेके आई, एक ओम का अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ऊपर है, मैंने उसको दे दिया. और ये एक स्लीपिंग आई मास्क लेके आई मैं, एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है गिव मी सम एनर्जी, ठीक है. और ये मैं एक शॉप मैंने देखी है, DIY, बहुत सही शॉप एक्सप्लोर करा है. नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि मैं आप थोड़ा सा ब्लॉग करूँ, वहाँ पे इतनी क्यूट सामान मिलता है, दैट्स अ लिटिल आइकिया यू कैन से इट इन दिल्ली, मुझे नहीं पता था, मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग. और इसके अंदर ऐसे एक जेल पैड है, तो इसको आप फ्रिज में रख के आप एक घंटे के लिए रख दो, एक दो घंटे के लिए, तो ये पूरा ठंडा हो जाएगा. फ्रीज़र में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में रखना, फ्रिज में रखना. और इसके अंदर ऐसे इसको डालो और रात को आराम से आप एटलीस्ट आँखों में डाल के इसको ऐसे ऐसे आप इसको लगा के लाइक दिस. सो आप इसको सो सकते हो, मेरे पास ये नहीं था, बट इससे ना आँखों को बहुत आराम मिलता है, बिकॉज वी ऑलवेज लाइक इन ड्रॉवर फोन, फिर आँखों में रोशनी लगती है,
टीवी देखते हैं, तो उसकी वजह से तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो मैं तो इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ क्वाइट गुड। और या मतलब यही था छोटा सा हॉल, छोटा सा मिनी हॉल, दैट्स इट। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच ब्लॉग्स। बाकी या आज के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।